This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji kya hal hai aap sab ka theek hai? Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehm wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24th batch ke jo ki ek exclusive batch hai iske lecture number 18 mein खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो अभी तक सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल जवाब रह गए तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। सवाल है तो स्टार्ट में पूछ लो आप जी। ठीक है, हाँ जी, आप एडसेंस की साइट भी स्टार्ट कर सकते हो पहले। हाँ जी, वो मैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट देता हूँ। ठीक हो, मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने ऑन पेज एसईओ करना सिखाया था कि कैसे आपने जब भी आर्टिकल पब्लिश करना है उसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी सेटिंग करते जाना है। तो जब आपके 40-50 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके होंगे तो आप की वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब राइटर के साथ आपने डील करना है, बेसिकली राइटर को आपने भेजना है अपना कीवर्ड, भेजनी अपने नीच और अपना वर्ड काउंट। ठीक, वर्ड काउंट उसको बोलना है 750 वर्ड्स का आर्टिकल लिख कर देगा। ठीक है, नीच आपकी फॉर एग्जाम्पल मेक मनी नीच है, ये मेंशन करनी है। ठीक है, जो कीवर्ड यानी कि जो विनिंग कीवर्ड है ना आपका, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मनी, वर्किंग फ्रॉम, फॉर एग्जांपल ये आपका विनिंग कीवर्ड था, आपने ये इस तरह भेजा। तो बस दूसरा कीवर्ड यहाँ पर लिखा, नीचे आपके सेम है, वर्ड काउंट आपका सेम है। ठीक है, इस तरह जो है ना आपने राइटर को आर्टिकल लिखने के लिए देना होता है। अच्छा, राइटर में हायर जब करने का कहता हूँ, और कुछ लोग अक्सर दफ़ा ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, उसमें उन्होंने या तो डोमेन बाय करते वक्त वेबैक मशीन में नहीं चेक किया होता, या उन्होंने जिससे वो आर्टिकल लिखवा रहे होते हैं राइटर जो है वो कॉपीराइटेड आर्टिकल जो है, यानी कि जो डुप्लीकेट आर्टिकल जो है वो दे रहा है आपको, आप उसको चेक नहीं कर रहे। एक साइट है copyscape.com, इस पे आपने जरूर अपने आर्टिकल्स को चेक करना है, चेक किए बगैर आर्टिकल पब्लिश नहीं करने। और हमेशा ऐसे राइटर से आर्टिकल लिखवाने होते हैं कि जिस के जो राइटर इजाइन पे जिसके आर्टिकल पब्लिश हों, वाशिंगटन पोस्ट या किसी अथॉरिटी साइट पे उसके आर्टिकल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आर्टिकल राइटर आपको कहे जी मैं पहले बहुत अच्छे ऐसे लिखता होता था, मुझे आर्टिकल लिखवाना शुरू कर दो। इंटरनेट के आर्टिकल्स में और जो अखबार है उसके आर्टिकल्स में बड़ा फर्क है। जब आपने आर्टिकल
लिखवाने हैं तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से लिखवाने हैं। अगर ना समझ आए ना, तो एंड आपने ये करना है कि फाइवर पे जो अच्छे राइटर्स हैं, आपने आर्टिकल उनसे लिखवाना है जिसकी अच्छी रेटिंग, जो टॉप रेटेड सेलर होते हैं उनसे आप आर्टिकल लिखवा लो। थोड़े से कॉस्टली आपको पड़ेंगे, मगर आपने वेबसाइट बार बार तो नहीं बनानी ना, सेम साइट, ठीक है? आपने एक दफा साइट रैंक करवा के उसके बाद आपने मजीद अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं। पैसे बार बार तो नहीं लगाने ना एक ही प्रोजेक्ट पे, आपने मजीद प्रोजेक्ट्स भी तो साथ साथ स्टार्ट रखने हैं। अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं कि मतलब उनकी उनकी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक नहीं आ रही, तो वो ट्रैफिक ना आने की बहुत सारी वजूहत है, जिनमें से मेन रीजन मैंने बता दी है, या आपने अच्छी डोमेन नहीं ली, या आपकी होस्टिंग ब्लैक लिस्टेड है, या आपके कीवर्ड्स ठीक नहीं है, या आपके राइटर ने आपके साथ जो है वो धोखा किया, आपको आर्टिकल सही नहीं लिख कर दिए, ठीक है? या आपने अपनी वेबसाइट जो बनाई है उसके अंदर जो थीम लगाया है वो नल या क्रैक या चोरी किया हुआ थीम लगाया, मतलब कोई ना कोई आप गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही। मेन रीजन ढूंढनी होती है, ये नहीं कहना होता कि मेरी किस्मत में नहीं है, मतलब पैसे लगा रहे हो उसका किस्मत से ताल्लुक ही नहीं है। अब तो आपने, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आप तो मेहनत मेहनत भी कर रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, यही दो चीजें चाहिए होती हैं। तो आपकी वेबसाइट ने रैंक करना ही करना होता है जब आप चीजों को प्रॉपरली मैनेज करके चल रहे होते हो, ठीक है? तो राइटर आपका राइटर ने आपसे पूछना है कि कीवर्ड कितने दफा यूज हो, उसको कहना है कि नेचुरल वे में आर्टिकल लिख कर दे, लाइक टाइटल में हमारा कीवर्ड हो और नेचुरल अंदाज में टाइटल उसने लिखा हो, डिस्क्रिप्शन के 150 वर्ड्स में, पैराग्राफ में हमारा कीवर्ड एक दफा आना चाहिए, दैट इज एनफ। ये दो दफा हमें, यानी कि बहुत होता है, एक दफा टाइटल में और एक दफा आर्टिकल के पहले 150 वर्ड्स में, हमारे लिए ऑन पेज एसईओ यही होती है। उसके बाद हम इमेजेस खुद ऐड करते हैं, जितना आपका जो साइट होगी वो अट्रैक्टिव होगी, जितनी आपकी वेबसाइट में जो है आप आर्टिकल से रिलेटेड इमेजेस और वीडियोस डालोगे, उतना आपके लिए फायदा है, आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरेस्ट लोगों का बढ़ेगा। और टू द पॉइंट बात हो, इधर उधर की अक्सर लोग आर्टिकल्स में बातें करना शुरू कर देते हैं, इस तरह का ना एक प्रॉपर जो है वो अटेंशन ग्रैब करने वाले आर्टिकल्स आपने अपनी वेबसाइट में ऐड करना होते हैं, ठीक है? ये है जी राइटर के साथ आपने बात कैसे करनी है या राइटर के साथ डील कैसे करनी है। वो 250 से लेके 400 रुपए तक लेगा अगर पाकिस्तानी राइटर होगा। अगर नेटिव राइटर होगा, यानी कि यूएसए का, यूके का फॉर एग्जाम्पल राइटर होता है, तो वो $5 से लेके $10 तक चार्ज करेगा, 750 वर्ड से 1000 वर्ड आर्टिकल के, ठीक है? और ये आर्टिकल किसी भी वेबसाइट की जो है वो रैंकिंग में मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर, इसको आपने इग्नोर नहीं होने देना, ठीक है? जी, जब हमने ऑन पेज एसईओ कर लेनी है, उसके बाद हमने अपनी जो वेबसाइट है उसका साइट मैप सबमिट करवाना है, ठीक है? साइट मैप कैसे सबमिट करवाते हैं, मैं एक तो बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। मास्टर टूल में जाके पहला आर्टिकल पब्लिश करने के फौरन बाद ये काम आपने जरूर करना है, ठीक है? आपने यहाँ पे आना है ऐड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आके अपनी डोमेन ऐड कर दी, ठीक है? ओके। और अगर किसी ने डोमेन डॉट कॉम की डोमेन रजिस्टर करवानी है, आपने फाइंड कर ली है, अब आपने बाय करवानी है, तो $5 में जो है मेरे पास एक पर्सन है, वो $5 में आपको डोमेन बाय करके दे देगा डॉट कॉम की, 1 साल के लिए, ठीक है? उसके बाद आप 9 महीने बाद या 10 महीने बाद उस डोमेन को आप नेमचीप पे शिफ्ट कर लोगे, ठीक है? यानी कि पहले साल आपको $5 की डोमेन पड़ जाएगी डॉट कॉम की। अच्छा, ये कंटिन्यू करके उसके बाद आपको आगे कोड देगा, कोड हमने
फाइल मैनेजर में जाके और इस तरह हमें कोड मिलेगा गूगल की तरफ से, हमने कोड को कॉपी करना है, वन लाइन कोड होगा वो कोड कॉपी करना है और उसके बाद हमने फाइल मैनेजर में जाके वो कोड पेस्ट कर देना। हमारी वेबसाइट गूगल वेबमास्टर टूल्स में वेरीफाई हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा भी जब भी हमें किसी वेबसाइट की एसईओ करना होती है तो हमें उस तक गूगल वेबमास्टर टूल की एक्सेस हर हाल में चाहिए होती है, क्योंकि गूगल वेबमास्टर टूल्स के बगैर किसी भी वेबसाइट की एसईओ प्रॉपरली नहीं हो सकती, ये जहन में रखनी है अपने पास। ये जो है इसका index.html का पेज है। ये index.html यहाँ एडिट किया, जो भी मेरी वेबसाइट है उसका index.html का जो पेज है उसमें मैं जाके कोड लगाऊंगा। अगर वर्डप्रेस है तो उसके उसमें हम इंसर्ट हेडर फुटर में जाके लगा देंगे। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ, ये गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड है, ये मैंने इसमें पेस्ट किया हुआ है। आपने भी टाइटल के बाद पेस्ट कर देना, अदरवाइज अगर हमारी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस की है तो हम वर्डप्रेस में आते हैं। एक प्लगइन है इंसर्ट हेडर फुटर, ठीक है। अच्छा जी, इधर हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है इंसर्ट हेडर फुटर। इसके जरिए हम लोग जो है गूगल वेबमास्टर टूल का कोड लगा देंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा। ये हम लॉगिन करने के बाद इंसर्ट हेडर में ये कोड ऐसे हमने लगाना है, ठीक है, जो भी हमें गूगल कोड देगा उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ऐसे डन ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड लिखवाएगा, डन कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने साइट मैप में आना है, इधर अपना साइट मैप जो है साइट मैप सेटिंग, ये जो साइट मैप है हमने सबमिट करवा दूंगा। ये जो है साइट मैप को एक दो सबमिट करवाने के बाद अब हमारी वेबसाइट जो है इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी। जो वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती, हमेशा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वो वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आती। जब तक वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती वो वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आती। इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हमने अब क्या करना है, वेबसाइट का डाउन टाइम चेक करना है, ठीक है। एक वेबसाइट है अप टाइम रिपोर्ट, इसके जरिए हम लोग ये दिखते हैं कि हमारी वेबसाइट आया के बंद तो नहीं हुई। जो वेबसाइट एक मिनट के लिए भी बंद होती है ना, वो उस वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वेबसाइट डाउन कब होती है, जब आपने होस्टिंग जो है होस्टिंग की वजह से मसला हो सकता है, अटैक हो जाए आपकी वेबसाइट पर, तब भी ये मसला होता है, ठीक है। आपने फ्री रजिस्टर कर लेना है तो 2 से 3 साइट आपको ये फ्री चेक करने देगा।
जस्ट अ मिनट। ये जो है अच्छा, ये इसमें आप देख रहे होगे कि 0 hours 4 minutes, 4 मिनट के लिए जो है ये डाउन हुई है, दोबारा अप हुई है, फिर डाउन हुई है, फिर अप। तो ये अप टाइम जो है चेक करते रहते हैं। एड न्यू मॉनिटर HTTP फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा फॉर 5 मिनट्स और क्रिएट मॉनिटर। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर लिस्ट में मेरी वेबसाइट आ जाएगी। और अब ये जो टूल है uptimerobot.com, ये क्या करेगा, ये हमारी वेबसाइट की वेबसाइट का जो डाउन टाइम है उसको चेक करना शुरू कर देगा, उसको चेक करता रहेगा। और अगर हमें लाइक डेली बेसिस पे हमारी साइट बंद होती है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें फिर होस्टिंग चेंज करना पड़ेगी। वैसे जो मैंने आप लोगों को क्लाउड क्लियर लगाने का तरीका बताया था वो बहुत जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि क्लाउड क्लियर के बगैर हमारी वेबसाइट का गुजारा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मसले मसाइल होते हैं, DNS इश्यूज होते हैं, वो जो है क्लाउड क्लियर के बगैर हल होते भी नहीं है। DNS के इश्यूज होते हैं ना, वो क्लाउड फ्लेयर के बगैर हल नहीं होते। तो वो इस वजह से हमें जो है क्लाउड फ्लेयर लगाना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो क्लाउड फ्लेयर आप लोगों ने जरूर इंस्टॉल करना है, जैसे ही अपनी वेबसाइट रेडी की और मैंने जो स्टेप्स बताए हैं आपने वो सारे स्टेप्स करते हुए क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल करना है, और ये डाउन टाइम चेकर भी साथ में लगा देना। आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हमने आर्टिकल पब्लिशिंग के बाद, ऑन पेज एसईओ के बाद क्या क्या स्टेप करते जाना है। रैंक ट्रैकर, एक टूल है रैंक ट्रैकर, एक टूल है सर्च बुक और एक ऐप, सॉरी सर बुक चेंज होकर keyword.com में चली गई है। अच्छा, और एक और है सर्प मोजो, ये जी एंड्रॉइड ऐप है, मैं ये इसके जरिए जो रैंकिंग उसको ट्रैक करता होता हूँ। बड़ा जबरदस्त टूल है, कीवर्ड्स की रैंकिंग को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जिन कीवर्ड्स पे मैं आर्टिकल लिखवा रहा हूँ उन कीवर्ड्स को मैं ऐसे ट्रैक करूंगा, यानी कि कीवर्ड मेक मनी कीवर्ड, ठीक है, और यूआरएल मेरा जो होगा, मेरी वेबसाइट जो भी है, व्हाटएवर प्राइम मिनी या जो भी आप लोगों ने बाय की है, ठीक है। यानी कि मैं कीवर्ड यूआरएल कीवर्ड यूआरएल इन हर कीवर्ड को अपने यूआरएल के अगेंस्ट ट्रैकर में डाल दूंगा। अब ट्रैकर का क्या काम है, ट्रैकर का काम है मुझे डेली बेसिस पे यानी हर 24 घंटे के बाद मुझे रिजल्ट देना कि मेरा कीवर्ड यूएसए में या यूके में या व्हाटएवर जो भी कंट्री उसमें किस नंबर पे कितने नंबर पे एक्चुअली मौजूद है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मुझे अपने स्टेटस का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हमें कोई मेजर इशू है आया है, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि डेली रिपोर्ट बनती है मरीज की, या पेशेंट कह लो, पेशेंट की डेली रिपोर्ट बनती है कि रिकवरी कितने हद तक हुई है। ऐसे ही जब हम एसईओ कर रहे होते हैं, अगर हमें अपनी वेबसाइट की रैंकिंग का नहीं पता तो हम एसईओ किस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। हम एसईओ इसी चीज़ की तो कर रहे हैं कि हमने अपने कीवर्ड को टॉप पोजिशन में लेकर आना है, ठीक है। और वो टॉप पोजिशन में लाने के लिए हमें डेली बेसिस पे ट्रैक करना होता है। ये गूगल प्ले यानी कि गूगल मोबाइल्स के लिए यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए ऐप है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। इसके $7.5 पर ईयर, बहुत ही सस्ता ये पैकेज है, $7.5 पर मंथ नहीं है, ये पर ईयर है। पर ईयर आपने पे करना है, प्रो वर्जन में आप कन्वर्ट हो जाओगे, उसके बाद हम अनलिमिटेड साइट्स को ट्रैक कर सकते हैं। एंड्रॉयड की ऐप आप कर लो अपने मोबाइल में और इसको परचेज कर लो तो अच्छी बात है, फ्री में भी चेक करने देता है, मगर उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है फ्री में जितना कि ये पेड वर्जन में है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सर्प मोजो, SEO सर्प मोजो, ये जो रैंक ट्रैकर टूल है, ये अपने एंड्रॉइड मोबाइल में इंस्टॉल करके उसके बाद अपना कीवर्ड और उसके आगे यूआरएल कीवर्ड यूआरएल कीवर्ड यूआरएल
ये आप ऐड करके रख लोगे और आपको ये रैंकिंग जो है वो टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा कि आपकी वेबसाइट आपके मतलब कीवर्ड पे कितने नंबर पे मौजूद है। इस तरह हम अपने जो कीवर्ड्स हैं जिनको आपने विनिंग कीवर्ड भी हैं जो आपके जिनको आपने रैंक करवाना है, टाइम टू टाइम आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा कि कितने नंबर पे मौजूद है आपकी वेबसाइट। वैसे ये जो टूल है प्रो रैंक ट्रैकर, पहले फ्री में काफी ज्यादा कीवर्ड ट्रैक करने देता था, यानी कि ऑलमोस्ट 50 कीवर्ड्स को ट्रैक करने देता था, मगर अभी ये टोटली पेड हो चुका है, अभी फ्री में बिल्कुल नहीं कीवर्ड्स ट्रैक करने देता। तो ये भी एक अच्छा टूल है, ये वेब बेस्ड टूल है, ये एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है, ठीक है। और ये जो था सर book.com, एक बड़ा अच्छा टूल था, वो कन्वर्ट हो गया है अब keyword.com में। इधर भी कीवर्ड ऐसे ट्रैक होते हैं, जैसे ये सेटअप सारा वही है बट नेम बस चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हमें जो है कीवर्ड्स को प्रॉपरली ट्रैक करने देता है। ये भी वही चीज़ है जो सर्प मोजो करता है, ये वेब बेस्ड है, ये एंड्रॉयड बेस्ड है, ये मोबाइल बेस्ड कह लो आप इसको, ठीक हो गया। इन सब तमाम टूल्स का काम हमारी जो हमारे कीवर्ड है उनको ट्रैक करना है। ठीक है, आपको ये सारी जो टूल्स की अहमियत है, हम क्यों ये टूल्स यूज करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप SEO कर रहे होते हो तो SEO में प्रोग्रेस बहुत जरूरी होती है। अगर आपको अपनी वेबसाइट की प्रोग्रेस नहीं पता तो आप आंखें यानी कि ब्लाइंडली आप काम कर रहे हो SEO में, आप एक्सपर्ट नहीं हो, फिर आप यानी कि गैस वर्क कर रहे हो, यानी कि तुक्का तुक्का सिस्टम, जिसे हम रट्टा सिस्टम रट्टाबाजी भी कहते थे, फिर तो आप रट्टाबाजी कर रहे हो जब आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, आपकी वेबसाइट की क्या वर्थ है, आपकी वेबसाइट की हेल्थ क्या है, कीवर्ड्स की क्या हेल्थ है, आपके आर्टिकल्स की क्या हेल्थ है, यूजर एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स एंड स्टैटकाउंट, ये दोनों टूल हैं, इन दोनों टूल्स को हम इनका कोड जो है अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि आज यूजर कितना आया, कल कितना आया, जैसे हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे पहला, उसके बाद ये सारे स्टेप्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स तो गूगल के ही जीमेल से ही साइन इन हो जाएगा, analytics.google.com में आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपने जस्ट अपना जीमेल यूज करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ले आएगा इंटरफेस में, इस इंटरफेस में ले आएगा analytics.google.com यूज करके, ठीक है। उसके बाद आपने आना है एडमिन में, एडमिन में आने के बाद आपने आना है क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट करेंगे तो जिस तरह मैंने ये बनाया हुआ सारे, आप इस तरह में इनमें से कोई कोई भी नाम आप रख सकते हो, मैं फिलहाल इसको एक्सप्रेस ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी का कोई ना कोई नाम रख देता हूँ, वेब हो गया,
कंटिन्यू और एच ठीक है जी भी एस है ट्राई मिनी कोई भी हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से हम पाकिस्तान कर लेते हैं क्रिएट और जो ट्रैकिंग कोड मिलेगा सेम हम हमने उसी तरह सिटी 24 अपने डब्ल्यू पी एडमिन में जाके इंसर्ट हेडर फुटर के कोड में जाके हमने इसका कोड पेस्ट कर देना फुटर में ठीक है ये हेडर में नहीं करना हेडर में गूगल वेब मास्टर टूल्स का कोड करना था ये हमने फुटर में करना ये कोड में मिल गया कॉपी बॉडी में नहीं करना फुटर में करना तीन पार्ट्स ये दिखा रहा है हेडर बॉडी फुटर फुटर में हमने करना ठीक है जब भी हमने कोड लगाना है वो फुटर में करना इसी तरह हम स्टैट काउंटर का अकाउंट बना के तो उसका कोड भी फुटर में लगा देंगे आपने स्टैट काउंटर का अकाउंट बनाना है ट्राई फॉर फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने ऐसे ही इसका कोड हमें मिलेगा हमने वो लगा देना ये मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा कि स्टैट काउंटर का कोड कैसे लगाना है और उसके बाद हमारा अमेजोन का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आज के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएगा वक्त पे उस पर पेनल्टी लगेगी बाद में आपने ये नहीं कहना कि ये बात आपको पता नहीं थी उस पेनल्टी ये लगेगी कि उसको लेक्चर्स की एक्सेस नहीं मिलेगी तो अगर आप चाहते हो कि आप कंटिन्यू सही तरह रखो चाहे आपने फीस दी हुई है तो आपने मुझे असाइनमेंट इस अपकमिंग लेक्चर से पहले जो फ्राइडे को लेक्चर होगा उससे पहले पहले मुझे आपने एटलीस्ट असाइनमेंट नंबर 4 तक सबमिट करवाए होना चाहिए ठीक है ओके जी ओके अल्लाह हाफिज़।